हाँ जी, तो भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरी 2 बजे। गुड आफ्टरनून बोलते हैं जिसे हिंदी में हम, दिन हो चुका है। ठीक है, तो भाई तुम्हारा भाई निकला अभी दिन में, तो भाई सारे भाई को हाथ जोड़ के वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे। तो भाई अगर अभी आप मेरे चैनल पे नहीं आए हो तो आना पड़ेगा आपको खुद ब खुद, अपने लिए आना पड़ेगा अगर मेरे लिए नहीं आना चाहते तो। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट की बात अगर करी जाए ना, ड्राइवर एक था ऑन टॉप, कैब एक था NCR, ये ग्रुप अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही ग्रुप है और हमारे ग्रुप है, आपके ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप में जुड़ना है ना तो आपको भी प्रॉफिट है, मुझे भी प्रॉफिट है और ड्राइवर भाई जितने भी हैं सबको प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे, इन द सेंस पैसों का प्रॉफिट नहीं है, कोई पैसों की लालच में आए तो भैया मत आना, हाथ जोड़ के बोलता हूँ। ठीक है, तरीके से बताऊंगा, हर चीज बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि काफी दिन से सब पूछ रहे थे कि क्या है इस ग्रुप में, आगे क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ये सब ऑल और जैसे पहले ग्रुप बने थे उन ग्रुपों की तरह होगा, इसमें फालतू की बातें होंगी। भाई देखो, सब तुम मुझे जानते हो, मेरी शक्ल जानते हो, मेरा नाम जानते हो, मेरा नाम है अमन मेहंदी दत्ता। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इस ग्रुप की जो बुनियाद रखी गई है, इसलिए रखी गई है कि भाई एकजुट होके, मेरे शुरू से ही मोटिव ये रहा होगा, आपने मेरी पुरानी वीडियो भी देखी होंगी तो मैं यही बोलता हूँ, ड्राइवर एकता एक करनी है, ड्राइवर को एक करना है। सब मुझे बोलते हैं कि तू कुत्ते की पूछ सीधी करने निकला है, ये कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है ड्राइवर बहुत सारे हैं, एक कैटेगरी के नहीं है, अलग अलग ब्रांड है ना, जैसे मतलब कोई बिहार से है, कोई पंजाब से है, कोई कहां से है, कोई कहां से है, सब अपने काम धंधे को लेकर दिल्ली में आके कैब चला रहे हैं, कोई यूपी 12, कोई यूपी 82, ऐसे ऐसे कैब चल रहे हैं दिल्ली में, नो डाउट। तो भाई देखो, अभी हमने एक स्टिकर छपाया, ठीक है, जिस स्टिकर की आपने फोटोज बहुत देख ली होगी, बहुत लोगों ने वीडियोज भी डाल दी उसके ऊपर बना बना के, तो जो ओरिजिनल स्टिकर है वो हमसे ही मिलेगा आपको, ये आपको भी पता है और मुझको भी पता है। अंधेरा हो गया, मैं अंडरपास में आ गया, तो काला तो नहीं दिख रहा मैं, ये बता देना कमेंट करके। अरे यार कोई बात नहीं, चलो काला भी दिख जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मेरे भाइयों को तो पता है मैं गोरा हूँ। तो भाई ये सीन है, अब ये ग्रुप बनाने का मोटिव ये है अपना कि भाई अगर आप हमसे जुड़ते हो, हम आपसे जुड़ेंगे, प्रॉफिट दोनों का बराबर है। इन द सेंस प्रॉफिट इस तरीके का है, आपको अगर स्टिकर लगा हुआ है आपकी गाड़ी पे और आप हमारे ग्रुप में हो, सबसे बड़ी बात क्या है, स्टिकर लगाना तो कोई भी लगा लेगा कॉपी करके भैया, ठीक है, स्टिकर को वैल्यू समझ के लगाना, स्टिकर की वैल्यू क्या होगी, स्टिकर अगर आपकी गाड़ी पे लगा और मेरी गाड़ी पे लगा है, ठीक है, बाई चांस मेरी गाड़ी कहीं ठुक गई, कुछ भी हो गया, इन केस मेरे को कोई पीट रहा है, स्टिकर लगा हुआ है पीछे, आपने देख लिया आपकी गाड़ी में कितनी महंगी सवारी बैठी हो, आपको उतर के फर्ज बनता है पूछने का, अगर मेरे को मदद की जरूरत होगी तो मैं आपसे मदद मांगूंगा और आपको देने पड़ेगी। ये है सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट स्टिकर का, ठीक है, उसके बाद है दूसरा पॉइंट कि भाई अगर स्टिकर आपकी गाड़ी में लगा है और आप घर पे हो और आप ग्रुप में भी हो, अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी की गाड़ी कोई कहीं खराब हो गई या कुछ भी हो गया XYZ, उसको रात बिरात में मदद चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि भाई रात को हमें फोन करके बोलो कि भैया ये दिक्कत है, आप सिर्फ ग्रुप में, हम ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें खाली, अभी तो ग्रुप देखो ऐसे ही चल रहा है, सारे ऐसे जुड़े हुए सारे भाई, अभी स्टिकर ढंग से बटे नहीं है, क्योंकि हम उनका ग्रुप बनाएंगे छाट छाट के जिनके स्टिकर लग चुके हैं, उनके प्रॉपर नाम, प्रॉपर गाड़ी नंबर, ये चीज भाई हम सबकी मदद अभी तो कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, हम ये नहीं देख रहे कि स्टिकर वाली गाड़ी है, क्योंकि हमें भी सबको एक जोड़ना है, ड्राइवर एक, जब तक ड्राइवर एक नहीं होंगे तब तक कोई कंपनी को हड़ताल करके कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता, नो डाउट कि भाई तुम हड़ताल करोगे तुम्हें रेट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ, किसी पेपर पे लिखवाना हो लिखवा लेना, ठीक है, तो जब तक ड्राइवर एक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में सब मैसेज कर पाएंगे, अभी कोई भी नहीं कर पा रहा, एडमिन ही कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि भाई फालतू के लोग भी हैं जो फालतू के मैसेज कर रहे हैं, कोई रेडबुल पी रहा है, कोई मोमोज खा रहा है, कोई जो भी XYZ जो भी चल रहा है, कोई बेचारा घर में बैठा, किसी बच्चे के हाथ में फोन है, पापा आपकी तो ग्रुप में ऐसा मैसेज आया है गाली वाला, तो ये सब चीजें बंद करनी है हमें, ठीक है, हम वही बंदे चुन चुन के रखेंगे कि जो हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ चलेंगे, हम सबको अपना अपना एरिया बांट देंगे आने वाले टाइम में, जैसे उत्तम नगर का ग्रुप अलग बना दिया, साउथ दिल्ली का ग्रुप अलग बना दिया जिसमें साउथ दिल्ली की गाड़ियां रहेंगी, ठीक है, जिसको जुड़ना है जुड़े, जिसको नहीं जुड़ना है वो ना जुड़े, अगर हम रोड पे चले तो हमारी गाड़ियों के स्टिकर, जो हमारे स्टिकर होंगे हमारी गाड़ियों सब पे लगे होंगे ना, तो अच्छा सा लगेगा। अभी भाई एक बंदे की रिकॉर्डिंग आई है मेरे पास, भैया अभी मैं ड्यूटी लेके जा रहा था नोएडा, तो एक भाई साथ साथ चल रहा था स्टिकर वाला, मेरा 42 नंबर है, मेरा 40 नंबर था, तो ऐसे करके अच्छा लगा, मतलब हाय हेलो भी हुई, मतलब पूरा दिन भर ड्राइवर साथ में रहेंगे ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कह रहा था कई बार ड्राइवर अकेला खड़ा हुआ है, मूड ऑफ है, सारी चीजें होती हैं, तो ये चीजें नोट करके चल रही है दिमाग में। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं डिस्कस तब करूंगा, मैं अपना मुंह तो खोल दूंगा, भाई मेरा आइडिया चोरी कर ली किसी ने, ये आइडिया चोरी नहीं करवाना ना हमें,
अपने माइंड को हर जगह नहीं बांटा करते, उस जगह बांटेंगे जहाँ पे लोग अपने होंगे। अभी लोग अपने आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगे, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं, वो चीज नहीं चाहिए। स्टिकर लेना है तो आपको एकता ग्रुप में आना पड़ेगा, पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इस काबिल हो या नहीं। क्यों भाई, स्टिकर ले तो लिया, टाइम पास के लिए लगा भी लिया आपने कि भाई चलो अमन भाई की बात रख लेते हैं, कल को कुछ जरूरत पड़ेगी ना आपको, तब आपको एहसास होगा कि स्टिकर का मतलब क्या है। अगर स्टिकर वाली गाड़ी को कुछ हुआ या किसी ने हाथ भी लगाया ना, तो 100 गाड़ियां 10 गाड़ियां तो कम से कम। ग्रुप का मतलब बताता हूँ मैं आपको, रुको एक मिनट। और ड्रॉप करने के बाद 5-10 मिनट मिले हैं आपस में, अच्छा लगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं काम पे था। क्या चल अमन भाई, बताना चाहता हूँ कि आज मैं काम पे था, तो मेरा जो गाड़ी पे स्टिकर लगा रहा उसका 42 नंबर है, मेरे आगे गाड़ी जा रही थी 14 नंबर है, मेरे आगे गाड़ी जा रही थी 40 नंबर थी UP 16। मैंने उस भाई को देखा, हेलो आएगी, कॉमन बात ये हुई कि बंद बहुत जल्दी हो रहा है व्हाट्सएप पे, कॉमन बात ये हुई कि जहाँ मेरा ड्रॉप था वही भाई का भी ड्रॉप था, आगे पीछे दोनों आ गए, तो इसका ड्रॉप किया। और ड्रॉप करने के बाद 5-10 मिनट मिले हम आपस में, अच्छा लगा। चलो यार, ऐसा लगा कि भाई बिल्कुल कोई खास आदमी है अपना। 10 मिनट की सुन रहे हो ना, तो भाई स्टिकर का मतलब ये भी हो सकता है कि तुम एक दूसरे से मिलो तो तुम्हें अच्छा लगे आपस में, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि भीड़ बकड़ी वाला सिस्टम, ये नहीं करना। जिसको दिल से है वो ही आए, जिसको नहीं है वो ना आए। स्टिकर का मतलब ये है, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि स्टिकर भाई फ्री में भी बट रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी जानकारी के लिए स्टिकर हम अपनी जेब से छपवा तो रहे हैं, पैसे आपसे ही लेंगे, ये मत समझना। अब मुझे पता है ये चीज मैं पहले बोल देता ना तो भाई सब यही कहते, ये पैसे कमाने आया, ठीक है। स्टिकर का अमाउंट आपसे ही लिया जाएगा भाई, कितने स्टिकर छपवा लूंगा मैं अपनी जेब से, आप बताओ। मैं भी तो टैक्सी ड्राइवर हूं, आपके सामने वीडियोस डालता हूं, कोई कमाने का बिजनेस नहीं है। जो कॉस्टिंग आएगी उसी कॉस्टिंग से आपसे पैसा लिया जाएगा, सबकी गाड़ी में स्टिकर लगे जाएंगे। आने वाले टाइम में बहुत कुछ सोचा हुआ है, मैंने आपको अभी बोला ना पहले कि बहुत कुछ सोचा हुआ है, मैं सब कुछ एकदम से नहीं बता सकता। जब तक मेरा एक ग्रुप नहीं बन जाएगा ना स्टिकर वाला, कम से कम स्टिकर वाली गाड़ियां 2000 जुड़नी चाहिए मेरी, 2000 पे कम से कम ये चीज होनी चाहिए, 2000 तो हो गाड़ियां कि रोड पे अगर एक दूसरे भाई चले किसी भी एरिया में तो गाड़ी जरूर दिखे। अभी तो इक्की दुक्की दिख रही है क्योंकि स्टिकर बहुत कम लगे हुए हैं, तो ये चीज है। और उसकी कॉस्टिंग हमने रखी है मात्र 20 रुपए, 20 रुपए से कोई बड़ी बात नहीं है, यह बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ठीक है। कुछ लोग होंगे ये बात सुनने के बाद तो कहेंगे, अरे यार कौन जा रहा है स्टिकर लेने, आज ये 20 रुपए ले रहा है, कल ही महीने बाद 60 लेगा, फिर 100 लेगा, फिर 500 लेगा। कुछ बात ऐसे भी सुनने को मिलेंगी, कोई बात नहीं, सुनेंगे भाई, जब कुछ अच्छा करता ना इंसान तो बुराई भी मिलती है उसे, नो डाउट। तो ये है स्टिकर का मीनिंग। और स्टिकर के ना बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया अभी MCD टोल प्लाजा पे जो हुआ था, एक स्टिकर की वजह से, एक ग्रुप ड्राइवर एकता ग्रुप की वजह से उस भाई का जो भी रिजल्ट था वो आपके सामने था, आपने देखी है वीडियोस, मैंने दिखाई है आपको वीडियोस, आपने खुद देखी होंगी जाके मेरे चैनल पे। तो ये चीज है भाई, जब तक हम एकता नहीं दिखाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा ये दिल्ली NCR वालों के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया, अगर आप अपने स्टेट में से मुझे देख रहे हो, किसी भी स्टेट में देखते हो आप, कहीं पे भी हो, ठीक है, अगर आपका ट्रैवलिंग का टैक्सी लाइन का काम है तो आप अपने स्टेट में ये चीज बना सकते हो, यूनिटी बना सकते हो, स्टिकर छपाने की शुरुआत कर सकते हो। ड्राइवर एकता ऑन टॉप, सीधी सी बात है, ड्राइवर एकता ऑन टॉप ऑल स्टेट के लिए। हमने कैब एकता NCR इसलिए रखा हो क्योंकि हमने दिल्ली NCR वालों के लिए स्टिकर बनवाए हैं। अगर आपको स्टिकर बनवाने हैं तो आप अपने स्टेट बाई का बनवा सकते हो, पंजाब का बनवाना है, UP का बनवाना है, जिस भी स्टेट में आप गाड़ी चलाते हो उस स्टेट का बनवा सकते हो, हिमाचल वाले अपने साइड का बना। तो इससे ये रहता है कि भाई एक स्टेट वो बनी रहती है। अगर कल को हम लोग सो भी रहे हैं ना सारे भाई, तो आपस में अगर मान लो रात को 100 गाड़ियां चल रही हैं, दिन में 50 गाड़ियां चलती है, रात को 50-50% गाड़ियां चलती है, ठीक है। अगर 50% में से आप लोग सो भी रहे हो ना 50 लोग, और 50% में 2% लोगों को दिक्कत आ गई, तो वो स्टिकर देख के खुद ब खुद डिसाइड कर लेंगे कि भैया ये दिक्कत है, आप रुके हो, बहुत बड़ी बात है और मेरे को ये मदद चाहिए। तो ये चीज पैदा करनी है हमें इस देश के अंदर, मतलब अपने स्टेट के अंदर, हर जगह करना चाहते हैं वैसे तो, अगर आप हमारी भाषा समझ रहे हो तो, ठीक है। तो ये मीनिंग है ग्रुप के अंदर आने का, अगर आना हो तो वेलकम है। देखो आएंगे, बुराई करने वाले भी आएंगे, नो डाउट, हम तैयार हैं। अगर लोग हमारे लिए रावण बन के आएंगे तो हम भी राम के भक्त हैं और भोले बाबा के भक्त हैं, हम भी पहुंचेंगे त्रिशूल लेकर, बाण लेकर वध करने के लिए, ठीक है। तो भाई देखो दिल से वेलकम है,
प्यार मोहब्बत बना के रखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, एक यूनिटी बना के रखेंगे। क्या तुम्हारा मन नहीं करता तुम्हें दिवाली पे कोई गिफ्ट दे? तुम्हारा मन नहीं करता? तुम्हारे बच्चे नहीं बोलते होंगे कि भाई पापा आपको किसी ने गिफ्ट नहीं दिया दिवाली पे? है तो ये चीज भी तो सोचो ना। ये चीज सब बहुत सारी चीजें ऐसी यार जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत जल्दी, लेकिन बस बहुत लाइन से अभी नहीं मुंह खोलूंगा, रायता फैल जाता भाई, दो मिनट में सबको पता लग जाता, फिर सब कॉपी करने लगते हैं ये चीज। तो बस अभी इतना ही है, अब जाके इस वीडियो को जाके शेयर करो, सबको बताओ कि भाई ये चीज है ये चीज नहीं है, अमन भाई की वीडियो आई है जाके देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि अपडेट रहेगा हर चीज, उसमें मेरा तो फायदा है तुम्हारा उससे ज्यादा फायदा, ये ध्यान रखना। चलो बाय, थैंक यू।